पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज लोगों को मोबाइल वितरण किए गए। ये खबर सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लोगों को जो मोबाइल दिए जा रहे हैं वे कोई तोहफा नहीं है। ये तो अमरोहा जनपद की सर्विस लाइन टीम स्क्वाड टीम ने मिलकर अमरोहा जनपद के स्थानीय निवासियों के चोरी हुए मोबाइलों की खोज कर आज उन सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। आज अमरोहा जनपद की टीम ने अलग अलग जनपदों से लगभग 31 मोबाइल को बरामद कर लिया है, जिसमें से 16 मोबाइल उनके असली मालिकों को आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बकायदा पत्रकार वार्ता करके सौंपे गए। इन लोगों के हाथ में मोबाइल देते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सभी के चेहरों पर मुस्कान नजर आ रही थी और अपना मोबाइल मिल जाने पर पुलिस विभाग का शुक्रिया अदा करते नजर आ रहे थे। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक बीते 4 महीने में अलग अलग जनपदों से पुलिस की टीमों ने मेहनत करके 31 मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। जी, अक्सर लोगों के मोबाइल गुम हो जाते हैं जो कि पुलिस को आकर शिकायत करते हैं। इसी शिकायत पर हमने उनके प्राथमिक लेकर जांच शुरू की और जो मोबाइल गुम हुए हैं पूरे साल में अभी तक 4 महीनों में हमने तकरीबन 31 मोबाइल बरामद किए हैं, जिसमें से कि आज 16 लोगों को हमने बुलाया था उनके मोबाइल के हवाला करने के लिए। ये मोबाइल की कुल कीमत लगभग 1.5 लाख रुपये की थी और मोबाइल पाकर लोग बड़े खुश थे और ये सतत प्रयास चलता है हमारा कि जनता की छोटी छोटी समस्याओं को भी बड़ी गंभीरता से लिया जाए और उस पर कार्यवाही करके उनको राहत मिले। जी, ये कई जिलों से बरामद किए गए हैं। हमारे जो सर्विलेंस सिस्टम है वो काम करता है और जहाँ पर भी मोबाइल हमें मिलता है उनको हम बरामद करते हैं और जो लोगों का प्रार्थना पत्र होता है उस पर दिए गए पते से हम सूचित करके उन्हें मोबाइल के हवाले करते हैं। इसमें आसपास के 5 जिलों से हमको ये मोबाइल बरामद हुए हैं। जो 16 मोबाइल हैं वो यहाँ से चोरी करने के पश्चात लोग कहीं किसी को मिल जाता है या कहीं कोई चोरी कर लेता है तो उस पर वो जलाने लगते हैं। जो लोग पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करके कार्रवाई की जाती है और अन्यथा अगर लावारिस कोई मोबाइल मिलता है तो उसे भी हम थाने में जमा करके उसके मालिक को मालिक